स्टूडेंट, अब हम पढ़ चुके हैं कंडक्टर किसे कहते हैं, कंडक्टर की प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस किसे कहते हैं और रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी रेसिस्टिविटी किसे कहते हैं। अब आपको इजीली आप समझ सकते हैं आप कि कौन सा गुड कंडक्टर होगा, कौन सा गुड रेसिस्टर होगा और कौन सा इंसुलेटर होगा। देखिए, रेसिस्टिविटी की वजह से, रेसिस्टिविटी ऑफ कॉपर, अगर हम कॉपर की देखते हैं रेसिस्टिविटी, तो 1.69×10⁻¹ ओम मीटर है। रेसिस्टिव मतलब रो की बात कर रहे हैं, इतनी होती है। इसलिए है इतनी क्योंकि इसका मतलब उसकी जो वायर है उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 1 मीटर है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो 1 मीटर स्क्वायर है। दैट्स व्हाई रो की रेसिस्टिविटी कितनी है, इतनी है। एक गुड कंडक्टर की बात करें तो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शुड हैव अ लो रेसिस्टिविटी। जिस भी मेटल की रेसिस्टिविटी सबसे लो होगी वो सबसे गुड कंडक्टर कहलाएगा। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल हैव अ हाई रेसिस्टिविटी, और पुअर कंडक्टर वो कहलाएगा जिसकी सबसे ज्यादा क्या होगी, रेसिस्टिविटी होगी। तो सिल्वर एक ऐसा मेटल है जिसकी लोवेस्ट रेसिस्टिविटी है लगभग 1.60×10⁻¹ ओम मीटर, ठीक है, बट इट्स वेरी कॉस्टली। लेकिन जो सिल्वर मेटल है वो बहुत ज्यादा क्या है, कॉस्टली है। दैट्स वाई कॉपर और एल्यूमिनियम को लिया जाता है क्योंकि इनकी रेसिस्टिविटी भी इतनी तो नहीं लेकिन इससे अप्रोक्स सेम है, 1.69×10⁻¹ ओम मीटर। किसकी है ये कॉपर की है, एंड एल्यूमिनियम की है 2.63×10⁻¹ ओम मीटर। एक तो रीजन है कॉपर सबसे ज्यादा यूज करने का क्योंकि कॉपर एल्यूमिनियम से भी ज्यादा क्या है, सस्ता है, ठीक है। दूसरी चीज, कॉपर की रेसिस्टिविटी एज कम्पेयर एल्यूमिनियम की रेसिस्टिविटी से कम है। ये देखिए, ये 1.69 है, ये 2.63 है। दैट्स व्हाई कॉपर को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, तो ये गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट है हीटिंग एलिमेंट। आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था, हीटर है, प्रेस है, ड्रायर है, गीजर है, इन सब में हीटिंग एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। तो वो जो वायर है उसको एक तो कॉयल फॉर्म मिल जाती है, कॉयल का मतलब कुछ इस टाइप से, ठीक है, कॉयल फॉर्म मिली जाती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस कर सके। इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर, इलेक्ट्रिक केटल, रूम हीटर, गीजर, हेयर ड्रायर मेड अप ऑफ एन अलॉय, क्योंकि मैंने आपको बताया था अलॉय क्या है, गुड रेसिस्टर्स कहलाते हैं। द रेसिस्टिविटी ऑफ एन अलॉय इज मच हायर, बहुत ज्यादा होती है रेसिस्टिविटी, तो वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देंगे और जाने नहीं देंगे, लेकिन टेम्परेचर की वजह से वो वहां पर प्रेजेंट है। डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब है वो बर्न नहीं होते, उन्हें आप कितना भी गर्म कर लो, कितना भी टेम्परेचर दे दो, वो बर्न नहीं होंगे। रेड हॉट तक कर लोगे तो भी वो बर्न नहीं होंगे, इजिली इवन एट हाई टेम्परेचर, मतलब रेड हॉट, इसलिए उनका यूज वहां पर किया जाता है, जैसे कि नाइक्रोम, कंस्टेंटन एंड मैग्नेट, ठीक है। नेक्स्ट है रेसिस्टिविटी ऑफ इंसुलेटर, इट मीन्स वो इनसे भी ज्यादा क्या होंगे, हायर होंगे, और टेम्परेचर का यहाँ कोई लेना देना नहीं। जैसे इम्बोनाइट, ग्लास, डायमंड इज वेरी हाई, डज नॉट चेंज विद टेम्परेचर, और टेम्परेचर के साथ ये चेंज नहीं होते। एक और मेन टर्म है, समटाइम आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है, बहुत याद रखिएगा इस चीज को, रेसिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब है जो कंडक्टर और रेसिस्टर के बीच के हैं, उनके लिए टर्म चाहिए सेमीकंडक्टर, जैसे सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ठीक है। इन बिटवीन दोज ऑफ कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की रेसिस्टिविटी शो करते हैं। डिक्रीज ऑफ इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है ये डिक्रीज शो हो जाते हैं। यूज ऑफ मेकिंग सोलर सेल एंड ट्रांजिस्टर, आपको याद होगा सोलर सेल्स में आपने सिलिकॉन का यूज किया था, लेकिन वो बहुत क्या है, कॉस्टली है, ठीक है, लेकिन उसकी खासियत क्या है, वो टेम्परेचर को अपटेक करती है, दैट्स व्हाई सोलर सेल्स में इसका यूज किया जाता है। तो मेनली रेसिस्टिविटी को अब मेरे हिसाब से अब आपको गुड कंडक्टर, गुड रेसिस्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू एवरीवन।